नमस्कार दोस्तों, एआर लाइफ एंड टेक में आसपुर में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो आज फिर मॉर्निंग में ये वीडियो शूट कर रहा हूं। तो आज बात करेंगे इस वीडियो में कि जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अपनी कार में हूं और मैं थोड़ा सा बाहर गया था। सुबह सुबह की बात है, करीब 6-7 बज रहा है अभी। तो अभी मैं कार अपनी चला रहा था तो मैंने सोचा एक वीडियो बहुत ही बढ़िया है तो वो मैं शूट कर लेता हूँ। तो दोस्तों, आज बात करेंगे गाड़ी की RPM और गाड़ी का जो इंजन है किस रेंज पर रखना चाहिए और किस गियर किस हिसाब से चलना चाहिए। तो दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल अगर अभी तक क्लिक नहीं की तो कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच जाएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। और बस चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि बात करेंगे यहाँ पर, तो दोस्तों जैसा आपने आप लोगों को पता ही होगा, RPM इंजन की जो राउंड पर मिनट होती है ये होता है, और यहाँ पर जो अपने ये स्पीडोमीटर होता है वो अपने व्हील के स्पीड पर होता है कि कितनी देर में कार चल रही है। तो हम लोगों को क्या करना होता है कि हम लोगों को पहला गियर डालना होता है, फिर उसके बाद बढ़ना होता है। तो हम लोगों को ये कब पता चलता है कि अब हम पहला गियर हटा लें, मतलब दूसरे गियर पर आ जाएं, और फिर तीसरे पर आ जाएं, फिर चौथे गियर पर आ जाएं, पांचवे पर आ जाएं। तो उसमें पहली बात तो बहुत लोग गलतियाँ क्या करते हैं कि फर्स्ट गियर को ज़्यादा देर तक चलाते हैं और सेकेंड गियर को जल्दी डाल देते हैं। कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सेकंड फर्स्ट डाला, तुरंत सेकंड डाल दिया, उसके बाद थर्ड डाल दिया, और उसमें होता है क्या, गाड़ी आपकी जो चलती है तो आपकी गाड़ी गटगट गटगट की आवाज़ करेगी, थोड़ा सा ऐसे फ्लक्चुएट करेगी, मतलब गटगट गटगट करेगी। तो वो साउंड आपको समझनी पड़ती है, वो आपको समझना पड़ेगा। और यहाँ पर अभी सबकी बुक्स में लिखा होता है कि उनकी गाड़ी अगर डीजल है, डीजल मॉडल कितने RPM पे कितना कौन सा गियर डालना चाहिए, मेरी का लिखा हुआ है तो मैंने उसी को देखकर हमेशा ध्यान रखा। तो RPM कितने RPM पर रहेगा, तो मेरे भी मेरे याद है इस टाइम पर 1800 RPM के करीब में लिखा था, तो सभी को 1800 RPM के करीब हमको रखना रहता था। और गियर जो बदलते थे, गियर बदलना रहता था, जैसे फर्स्ट गियर सेकेंड गियर हमको 20 के ऊपर, जैसे 10 के ऊपर 20 तक लिखा हुआ है उसमें सेकंड गियर का, और 30 के ऊपर अगर आप जाते हैं, यानी 30 तक आप टच हो गए और 30 के ऊपर है तो तुरंत आपको थर्ड गियर डालना होगा, और अगर फोर्थ पे तो 40, अगर फिफ्थ पे तो 50 के ऊपर, यानी 50-55 तक आप चला सकते हैं। कहने का मतलब 45 पे भी एक टाइम डाल सकते हैं, पर 50 पर डालें, 50 के ऊपर तो गियर तो डग 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 गटगट गटगट की जो आवाज़ होती है वो गाड़ी नहीं करेगी, गाड़ी फ्लक्चुएट नहीं करेगी। कभी कभी ऐसा हुआ, मुझसे भी हो गया एक दो बार, तो मतलब ज़्यादा गियर में रही है और गाड़ी की स्पीड बहुत स्लो रही है तो उसमें खट से गाड़ी बंद हो गई। तो ये बहुत ज़्यादा हार्म करता है इंजन को, बहुत ही ज़्यादा गियर बॉक्स को दिक्कत पड़ती है, क्लच प्लेटों को बहुत दिक्कत पड़ती है। तो इस तरह की इंजन प्रॉब्लम होती है, इस तरह की रोज की बात है, तो यहाँ पर आपको ये आदत सुधारनी होगी। तो हमें इसका अच्छा तरीका ये है कि आप हमेशा, मतलब अगर आप उतना नहीं चला पाते हैं तो आप हमेशा एक गियर कम पर ही चलाएं। कहने का मतलब, अगर आपकी गाड़ी 30 के ऊपर का बता रही है कि तीसरा गियर डाल दे, तो आप क्योंकि 30 के ऊपर क्या, आप अगर फ्लक्चुएट करते रहते हैं यहाँ पर ट्रैफिक में या कहीं पर, तो आप बदल नहीं पाते जल्दी जल्दी, तो आप क्या करें, आप थोड़ी सी 10 कम चलाएं, यानी जैसे कि 30 पर तीसरा गियर डालने को है तो आप दूसरे पर 35-40 तक आप चले जाइए। सबकी कार का अलग अलग होता है, सबकी कार में लिखा होता है। और उसमें अच्छा तरीका ये है कि आप अपना ये देख लीजिए कि आपकी गाड़ी की थोड़ी सी नॉइज़ अगर इंजन की ज़्यादा है तो आप होने दीजिए, उसे थोड़ा सा कम गियर में चलाइए, यानी और कम गियर में चलाने का फ़ायदा ये होगा कि आपका डीजल तो थोड़ा बताते हैं थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा क्योंकि RPM वेस्ट हो रहा है वहाँ पर RPM की जो ऊर्जा, मतलब कार की उसकी इंजन की ऊर्जा वेस्ट हो रही है क्योंकि उस टाइम पर RPM ज़्यादा हो रहे होते हैं और हमारी कार का गियर कम होता है। लेकिन उसमें ये है कि आपका इंजन में हार्म वाली कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका इंजन सेफ रहेगा। तो अपने इंजन को सेफ रखने के लिए कम उस पर चलाए। तो मेरा क्या था, मैं सबसे पहले चलाता था कार, तो मेरे का क्या था कि जैसे कि बाइक चलाता था तो ज़्यादा नॉइज़, इतना बाइक तो नॉइजिंग मुझे प्रॉब्लम करती, यानी नॉइज़ होता था तो मुझे लगता था कि RPM कम पे चल रहा है, तो तुरंत मैं गियर बदल देता था। तो अब मैंने बाद में उस आदत को कम किया है,
कि मतलब मैं गियर को एक कम ही पे चलाता हूँ। पहले मैं बहुत जल्दी फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ बहुत ही जल्दी आया था, मतलब 40 के अंदर, 40 के पहले ही। और गाड़ी तो क्या है, गाड़ी तो अगर आप चाहें तो पांचवें गियर पर भी 10-20 की रफ्तार पे चला सकते हैं हम, तो 10-20 की रफ्तार पे आप गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन आपको कम पे नहीं चलानी चाहिए। उसमें गटगट गट की आवाज़ उठाने पे तुरंत से गटगट और अचानक गाड़ी बंद हो जाती है। आप हमेशा मतलब अगर आपकी इंजन थोड़ी सी नॉइस कर रहा है तो आप थोड़ा सा ठीक है, आप नॉइस करने दीजिए, बट ये जो होती है ज़्यादा गियर पे आप नहीं चलाना है आपको, कि आपकी आरपीएम के अनुसार तो थोड़ा सा कम ही पे रखें। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको बस बात में समझ नहीं आई, अगर कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट करिए और मैं कुछ और सही से रिसर्च करके आपको फिर से बताता हूँ। और अगर और किसी भी प्रकार की जानकारी किसी को चाहिए हो तो मेरे वीडियो में कमेंट करके बता दिया करें, मैं आप लोगों तक जल्दी से जल्दी। और दोस्तों मैं सिंपल तरीके से बताता हूँ, सिंपल तरीके समझाता हूँ, और ये सब नहीं होता है मेरे पास कि स्क्रिप्ट लिखूँ, मैं तुरंत जो मूड में आता है वो वीडियो बना देता हूँ और उसे शूट कर देता हूँ। और जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहता है, और अभी तक का तो कोई भी ऐसा हुआ नहीं कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ख़राब निकला हो, क्योंकि पर्सनल एक्सपीरियंस और जो मैंने यूट्यूब से और जो मैंने सर्च करके गूगल से मतलब सब जगह देख कर ही मैं पता किया है, तो वो फिर सब मिलकर ही मिक्सचर एक बना कर तैयार होता है, वो आम आदमी के लिए यानी जो नॉर्मल हैं, जो सही अभी नए ड्राइवर हैं उनके लिए तैयार होता है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, अगली बार दोस्तों किसी और वीडियो में मिलेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक नहीं किया है तो क्लिक कर लीजिए, और सेफ रहिए, हेलमेट पहनिए बाइक पर और कार में सीट बेल्ट लगाइए। तो टाटा, बाय बाय।